वेलकम माय डियर स्टूडेंट, डी आर स्टडी पॉइंट के सेशन रीजनिंग में आपका स्वागत है। अब क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपको विद हेल्प ऑफ आपका फेसबुक दे दिया जाएगा और आपका वीडियो सॉल्यूशन जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो हम लोग देखें क्या क्वेश्चंस क्या आप लोगों का कि क्वेश्चंस आपका दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट सिंगल रो वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपका दिया गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब आपका कुछ सर्टेन लोग हैं, है ना, वो एक सिंगल रो में बैठे हैं और सबका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है। कहने का ये मतलब है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाते थे तो हम लोग देखते थे कि उसमें आपका 5 लोग बैठे हैं या आपका 8 लोग बैठे हैं या आपका 12 लोग बैठे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सर्टेन ऐसा नहीं किया गया कि कितने लोग बैठे हैं। तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग एक एक लाइन पढ़ के हम लोग क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा गया फिर से कि एस इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो आप लोगों को हम बता दें यहाँ पे क्या कि एस जो है आपका वो रो के ठीक राइट एंड में बैठा हुआ है। तो यहाँ हम आप लोगों को बता दें यहाँ पे क्या कि राइट एंड जो आपका बोल रहा है, ये राइट एंड जो है आपका और ये राइट दोनों बराबर होता है, या फिर आपका लेफ्ट एंड बोले या फिर आपका लेफ्ट बोले, दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चंस क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या दिया गया है। लिखा गया है क्या कि एस इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, मतलब एस जो है आपका वो आपका किसी भी पंक्ति के मतलब आपका एकदम राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट रो खींचेंगे और सबका फेस नॉर्थ है, तो ज़्यादा आसान है मेरे लिए बनाना। तो ये आपका एस जो है वो आपका ठीक राइट एंड पर बैठा हुआ है। दूसरा लाइन आपका क्या बोल रहा है कि देयर आर ओनली टू पीपल बिटवीन ए एंड डी, मतलब आपका ए और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, तो मेरा पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला क्या कि आपका एस जो है वो आपका राइट एंड में बैठा है। दूसरा मेरा एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि ए और डी के बीच में आपका दो लोग बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में आपका दो लोग बैठा हुआ है। ये श्योर नहीं किया गया है कि आपका ए जो है वो आपका लेफ्ट में होगा या आपका डी लेफ्ट में होगा या फिर ए राइट में होगा या फिर डी राइट में होगा। तो हम लोग दोनों साइड ले लेंगे और इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ आपका दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला लाइन क्या है कि एल इज सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू, मतलब आपका एल जो है वो आपका आर और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। वो आपका एल जो है वो आर और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। कौन सा एल बैठा हुआ है, क्यू और आर। यहाँ भी वही कंडीशन है आपका कि आपका क्यू लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या फिर एल आपका ठीक मिडिल में होगा। ये नहीं बताया गया कि आपका एल जो है वो एग्जैक्ट मिडिल में बैठा हुआ है आपका क्यू और आर के। बस इतना बताया गया आपका क्वेश्चंस में कि एल जो है आपका वो आर और क्यू के बीच में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है कि देयर आर एट लीस्ट टू पीपल एंड एट मोस्ट 5 पीपल सिटिंग बिटवीन एस और क्यू, मतलब आपका मिनिमम दो लोग और मैक्सिमम आपका 5 लोग बैठ सकते हैं इसमें एस और क्यू के बीच में। तो हम लोग यहाँ भी क्या है कि एस मेरा यहाँ पे फिक्स है कि ये जब भी बैठेगा तो राइट एंड में बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका एस और क्यू के बीच में आपका मिनिमम आपका दो लोग बैठ सकते हैं और आपका मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेने का बात हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे कि आर इज ऑन एन इवेन नंबर सीट व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब आर जो है वो आपका इवेन नंबर पे बैठेगा, मतलब सम संख्या वाले नंबर पे बैठेगा। कब, जब इसको राइट हैंड से काउंट किया जाए, मतलब ये आपका राइट हैंड हो जाएगा या राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब राइट से काउंट किया जाएगा तो आर जब भी बैठेगा वो क्या बैठेगा, इवेन नंबर वाले पे बैठेगा। तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मेरा आर जब भी बैठेगा वो राइट हैंड से वो आपका इवेन नंबर वाले पे बैठेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। दूसरा क्या क्वेश्चन फिर क्या लिखा है कि देयर आर 3 पीपल बिटवीन आर एंड एक्स, मतलब आर और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, आपका 3 लोग हैं। आर और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आर हो सकता है या यहाँ पे एक्स हो सकता है, लेकिन इस तीनों के बीच में कितने लोग हैं आपका, इस दोनों के बीच में आपका 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया मेरा। चलिए अब क्या है फिर आपका क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे लिखा है क्या,
कि द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इज 3 लेस देन दैट ऑन हिज राइट. मतलब आपका जितने नंबर ऑफ पीपल जो है आपका एक्स के राइट में बैठ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ हुआ जितने नंबर ऑफ आपका जो पीपल है वो एक्स के राइट में बैठ रहे हैं. यहाँ जितना नंबर ऑफ पीपल है वो आपका जितना भी एक्स के राइट में बैठ रहा है उससे आपका 3 कम कहाँ बैठेगा, आपके लेफ्ट में बैठेगा. मतलब एक्स के राइट में जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उससे 3 कम आपके लेफ्ट में बैठ रहे हैं. किसके लेफ्ट में? एक्स के लेफ्ट में. ठीक है, फिर क्या लिखा है कि देर आर लेस देन 5 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए. अब क्या लिखा है कि देर आर लेस देन 5 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के लेफ्ट में 5 से क्या है, कम लोग हैं. ए के लेफ्ट में क्या है, 5 से कम लोग हैं. ए के लेफ्ट में आपका क्या है, यहाँ पे 5 से कम लोग हैं. ठीक है, तो आपका ए के लेफ्ट में आपका, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन मिला है कि ए के लेफ्ट में आपका क्या है कि मिनिमम मतलब लेस देन आपका 5 पीपल आर सिटिंग, मतलब 5 लोग आपका बैठे हुए हैं. ठीक है, मिनिमम आपका लेस देन 5 लोग बैठे. ठीक है, चलिए उसके बाद आपका फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यहाँ पे कि देर आर लेस देन 5 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड देर आर नीदर 6 नॉर 8 पीपल बिटवीन एल एंड ए. मतलब आपका एल और ए के बीच में जो है वो आपका क्या है, एल और ए के बीच में जो है आपका वो ना तो आपका 5 लोग बैठेंगे, सॉरी ना तो आपका 6 लोग बैठेंगे और ना ही 8 लोग बैठने वाले. मतलब 6 लोग से कम भी हो सकते हैं, 6 और 8 के बीच में आपका 7 भी आता है वो भी हो सकता है, और 8 के बाद मोर देन 8 भी नंबर ऑफ पीपल आपका एल और ए के बीच में बैठ सकते हैं, लेकिन 6 और 8 लोग जो ये फिक्स है कि इस दोनों के बीच में बैठने वाले नहीं. ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नो मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एल. लिखा है क्या कि 2 से ज़्यादा लोग आर और एल के बीच में नहीं बैठ रहे. मतलब 2 से ज़्यादा लोग जो है वो आपका आर और एल के बीच में क्या है, नहीं बैठते हैं. मतलब आपका 2 से कम लोग हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, है ना, और आपका कोई लोग नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपका लिखा है क्या कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एस और क्यू, मतलब एस और क्यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एल एंड आर नॉट सेम. मतलब क्या है कि एस और क्यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं और उनका जो नंबर है वो आपका एल और आर वाले से बराबर नहीं है. मतलब मान लो कि एस और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं तो कभी भी एल और आर के बीच में 2 लोग बैठने वाले नहीं हैं. ठीक है, दोनों का नंबर आपका सेम नहीं रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चंस रेडी है. अब हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे कि आपका पॉसिबिलिटी किस चीज़ में और पॉसिबिलिटी सबसे कम किस चीज़ में आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक हम क्वेश्चंस यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चंस जो भी है मेरा. चलिए एक लाइन यहाँ पे खींचे हम और यहाँ लिखे आपका एस, क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है कि एस जो है वो आपका लाइन के राइट एंड पे बैठेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एस लिखे हैं. तो हम लोग क्या है, यहाँ हम लोग को 2-3 पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा क्या गया है कि क्यू और एस के बीच में मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम आपका 5 लोग बैठ सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मिनिमम आपका 2 लोग से स्टार्ट करेंगे, 2 लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्यू को बिठा लेंगे. ठीक है, पहला मेरा पॉसिबिलिटी हो गया. उसके बाद क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या लिखा, फिर हम दूसरा पॉसिबिलिटी लिखे यहाँ पे लेंगे, 1-2 और यहाँ 3 लोग हम लोग बिठा लेते हैं. ठीक है, फिर एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं यहाँ पे, 1 एस यहाँ पे बैठेगा बिकॉज सबका फेस आपका नॉर्थ की ओर है. ठीक है, और यहाँ पे 1-2-3-4-5 और यहाँ पे हम लोग 5 लोग बिठाते हैं. ठीक है, यहाँ भी एक और मेरा पॉसिबिलिटी बच रहा है 4 लोग का, 1-2-3-4 यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा और एस आपका यहाँ पे बैठ जाएगा. मतलब मेरे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो गए. सबके राइट हैंड में एस 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 बैठा हुआ है. ठीक है, और पहले वाला फिगर में क्या है कि क्यू और एस के बीच में 2 लोग हैं, दूसरे वाले फिगर में क्या है क्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं, तीसरे वाले फिगर में क्या है कि एस और क्यू के बीच में कितने लोग, 5 लोग हैं, और चौथे वाले फिगर में क्या है आपका एस और क्यू के बीच में आपका 4 लोग बैठे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है, एक और साइड लाइन मैंने छोड़ दिया है. यहाँ पे क्या लिखा है कि एल, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है एक और चीज़ कि एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. एक और मेरा श्योर इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एल इज़
टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब जहाँ पे आपका क्यू बैठ रहा है उसके ठीक लेफ्ट में आपका कौन बैठेगा, आपका एल बैठने वाला, मतलब ये मेरा श्योर इन्फॉर्मेशन है कि एल यहाँ बैठेगा, आपका एल यहाँ बैठेगा, आपका एल यहाँ बैठेगा और आपका एल यहाँ बैठने वाला, कि तीनों चारों फिगर में हम लोग यहाँ कन्फर्म कर दिए हैं आपका कि एल जब भी बैठेगा तो क्यू के लेफ्ट में और एल के राइट में कौन बैठने वाला, आपका क्यू बैठने वाला है। फिर क्या है, कितना चीज़ तो मेरा यहाँ मेंशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आगे समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको अरेंज करें, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे क्या कि कॉमन टर्म ढूंढेंगे, या तो फिर एस कॉमन टर्म होना चाहिए या फिर क्यू या फिर एल से हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक और चीज़ यहाँ पे लिखा गया था क्या कि आर और क्यू के बीच में कौन बैठ रहा है, एल बैठ रहा है, कि आर और क्यू के बीच में आपका एल बैठ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल में होगा ये मेरा कन्फर्म नहीं था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब भी होगा तो ये कन्फर्म क्यू के लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि ये साइड तो होने वाला नहीं है। अगर क्यू के राइट साइड में हो जाएगा तो फिर एल मिडिल में कहाँ बैठेगा, कहीं बैठने वाला नहीं है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि आर जब भी काउंट होगा, आर आपका जब भी काउंट होगा तो राइट एंड से आपका इवन नंबर पे बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से इवन नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ एक 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो आर आपका यहाँ भी बैठ सकता है, आर आपका यहाँ भी बैठ सकता है। फिर नीचे वाले फिगर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 यहाँ तो नहीं बैठेगा क्योंकि ऑड हो गया, यहाँ आपका इवन है तो आर एक यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चंस यहाँ पे अरेंज। फिर आपका नीचे वाले पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 और ये एक आर यहाँ और एक आर आपका यहाँ बैठ सकता है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में मेरा क्या लिखा है कि देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन R एंड X, मतलब R और X के बीच में आपका कितना पीपल सेट कर रहा है, तो आपका R और X के बीच में आपका 3 पीपल बैठ रहा है। ठीक है, तो 1, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पीपल बैठाएंगे तो ये X यहाँ हो जाएगा कंफर्म। अगर इधर करेंगे तो उसके राइट में बैठने से रहा तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1, 2, 2 और यहाँ पे 3 लोग बिठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा X, मतलब X और R के बीच में जब भी लोग बैठेंगे तो 3 ही लोग बैठेंगे, इतना ये कन्फर्म कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि हम लोग R और X के बीच में यहाँ भी हम लोग कितने लोग बिठा रहे हैं, यहाँ भी 3 लोग बिठा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग R और X के बीच में बिठा रहे हैं, यहाँ कितने लोग बिठा रहे हैं, 3 लोग बिठा रहे हैं, इतना कन्फर्म हो गया। चलिए, यहाँ पे फिगर पे X, R, L, Q और S यहाँ तीनों अरेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि यहाँ जितने लोग आपके X के राइट में रहेंगे उसे 3 कम लोग आपके कहाँ रहने वाले हैं, X के लेफ्ट में रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 लोग हैं यहाँ पे X के राइट में, तो इससे 3 कम हो जाएंगे कहाँ, यहाँ पे 6 लोग हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। ये तो कन्फर्म हो गया, सबका फेस आपका नॉर्थ की ओर है। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 लोग अगर इधर बैठे हैं तो इधर कितने लोग हो जाएंगे, -3 करेंगे तो इधर, अगर -3 करेंगे तो यहाँ पे 8 लोग हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 लोग, और सबका फेस आपका कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ की ओर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 लोग बैठ जाएंगे, यहाँ भी हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 लोग हैं और इधर जैसे ही आएंगे तो इधर 10 लोग हो जाएंगे क्योंकि -3 हमको चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 यहाँ हो रहा है, इधर फिर कितने लोग बैठेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोग। ये कन्फर्म है कि सारा फिगर पे आपका अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में फिर क्या लिखा है, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि आपका डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, है ना, डी जो है वो आपका इमीडिएट नेबर है एक्स का, तो कन्फर्म डी यहाँ नहीं, तो डी यहाँ बैठने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में आपका एक और बात बोला था डी से कॉमन टर्म लेके कि डी और ए के बीच में आपका कितने लोग हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, डी और ए से ए के बीच में आपका 2 लोग बैठे हुए हैं और जो ए है उसके लेफ्ट में आपका कितने लोग, लेस देन 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले वाले फिगर से हम लोग काउंट करते हैं, देखो डी यहाँ हो सकता है, एक आपका डी क्या हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है।
ठीक है, तो अगर हम लोग बी यहाँ ले रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि ए के लेफ्ट में कितने पांच लोग से कम बैठेंगे, दो लोग गैप करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो पांच लोग से कम भी बैठ रहे हैं और यहाँ तो डी होने से ये तो डी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पांच लोग से कम बैठ रहे हैं और ए और डी के बीच में आपका कितने लोग हैं, दो लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन मेरा क्या था कि एल और ए के बीच में आपका क्या होना चाहिए, या तो छः लोग होने चाहिए या फिर आपका कितने लोग, आठ लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों या तो छः या तो आठ आपका नहीं होते। यहाँ हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये तो आठ लोग हो गए, मतलब पहला वाला फिगर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे वाले फिगर पे आते हैं, या तो डी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा, दो लोग गैप करके अगर यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, और जैसे ही यहाँ पे ए आएगा मेरा तो लेस देन फाइव लोग तो बैठे हैं, लेकिन काउंट करते हैं एड और ए के बीच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, यहाँ पे आपका दो लोग यहाँ पे करके बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ फाइव लेस देन फाइव लोग होना चाहिए ना यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 फोर लोग यहाँ पे लेस देन फाइव लोग भी हैं, और इसके बीच में काउंट करेंगे एल और ए के बीच में तो मेरा कितना ही होना चाहिए, छः और आठ लोग नहीं होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 लोग हैं, मतलब कन्फर्म है कि ना तो 6 लोग यहाँ बैठे हैं और ना ही आपके 8 लोग बैठे हैं, तो ये कन्फर्म है, ये तो मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है फिगर यहाँ पे, ठीक है, मेरा ये फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे। चलिए ये कन्फर्म है कि हम लोग डी को यहाँ क्या करेंगे, बिठा देंगे। ये वाले फिगर में क्या है आपका, ये वाले फिगर में भी आपका डी यहाँ लेते तो दो दो गैप करके इधर इधर आपका मोर देन फाइव लोग हो जाएगा, तो ये फिगर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग अगर डी लेते हैं दो गैप करके यहाँ ए लेते हैं, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि लेस देन फाइव लोग हैं, लेकिन एल और ए के बीच में देखा कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोग हो गए, तो 8 लोग इसमें भी हो गए और यहाँ भी आपका 8 लोग थे, तो ये फिगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब तीनों फिगर आपका पहला तीसरा और ये चौथा फिगर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब टोटली आपका ये वाला फिगर सही होने वाला अभी तक हमको कन्फर्म लग रहा है। फिर आपका क्वेश्चंस में क्या था, ये आपका फाइव लोग भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। चलिए अब एक बार फिर से हम क्वेश्चंस मिला लेते हैं कि आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, ठीक है, और ये मेरा फिगर भी सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्वेश्चंस एक बार फिर से पढ़ते हैं, लिखा है क्या कि एस इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, मतलब एस जो है वो रो के राइट एंड में बैठा हुआ कन्फर्म, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि देयर आर ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में भी आपके दो लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एस इज सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू, एस ये एल जो है वो आपका आर एंड क्यू के बीच में बैठा हुआ, ये भी मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर एट लीस्ट टू पीपल एंड मोस्ट एट मोस्ट फाइव पीपल सिटिंग बिटवीन एस और क्यू, मतलब एस और क्यू के बीच में आपका मिनिमम दो लोग और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, पाँच लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3 मतलब आपका 5 से कम है और 2 से आपका ज़्यादा है, तो ये भी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा आपका क्या लिखा है यहाँ पे कि आर इज ऑन द इवन नंबर सीट वेन काउंट फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से जब काउंट करेंगे तो आपका इवन नंबर पे आर बैठना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आर भी आपका अपनी जगह पे ठीक ठाक बैठ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन से आपका कि देयर आर थ्री पीपल बिटवीन आर और एक्स, तो आर और एक्स के बीच में आपका तीन लोग यहाँ बैठ रहे हैं, कन्फर्म ये भी मेरा सही है। नेक्स्ट आपका लाइन दिया गया है कि द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स 3 लेस देन दैट ऑन हिज राइट, मतलब आपका एक्स में जितने लोग बैठे हैं राइट में, एक्स के राइट में जितने लोग बैठे हैं उससे 3 कम आपके लेफ्ट में बैठेंगे, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा क्वेश्चन में कि एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एल जो है आपका क्यू के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ, ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या है, हु इज नॉट इमीडिएट नेवर ऑफ आर, मतलब जो है आपका हु इज नॉट, हु हमेशा याद रखिएगा कि हु जो है आपका हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है, या फिर इंग्लिश में जो भी आपका डब्ल्यू से स्टार्ट हो, जैसे कि हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, सारा आपका क्या है सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है। तो मेरा फर्स्ट वाला पर्सन यहाँ पे एल हो जा रहा है और मेरा सेकंड वाला पर्सन मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू हो जा रहा है, ठीक है। तो क्यू जो है आपका आर का इमीडिएट नेवर नहीं, ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि क्यू के अगल बगल में आपका आर आपका बैठा हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है कि डी इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ एक्स, डी जो है वो एक्स का इमीडिएट नेवर है, तो यहाँ भी डी जो है आपका एक्स का इमीडिएट नेवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है कि देयर आर लेस देन फाइव पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना, देयर आर लेस देन फाइव पीपल टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब आपका 5 से कम लोग बैठे हैं कहाँ पे, आपका ए के लेफ्ट में, तो यहाँ भी 4 लोग हैं, ये भी मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है।
फिर क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि आपका ए और एक एल के बीच में आपका या तो 6 या तो 8 लोग नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है चलो, तो क्वेश्चंस फिर आपका है क्या कि नॉट मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन आर और एल, आर और एल के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, ये भी ठीक ठाक है। चलिए फिर क्वेश्चन आपका लास्ट क्या बोल रहा है लाइन, आपका नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू एंड द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एल एंड आर नॉट सेम, मतलब आपका एस और क्यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं वो आपका एल और आर के बीच में उतना नंबर ऑफ पीपल दोनों का सेम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि एस और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं और एल और आर के बीच में आपका 1 लोग बैठे हैं, ये भी आपका सेम नहीं है, तो ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे आपका पूरा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है क्या कि हम हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ए रो, मतलब आपके रो में कितने पीपल हैं, तो रो में कितने पीपल हमको पता होना चाहिए कि ये एक्स के आपके राइट में 11 है और एक्स के आपके लेफ्ट में 8 है, तो 11 8 19 और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्स आपका 20 है तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या है सेकंड वाला, हु इज द सॉरी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू एल, मतलब आपका डी का पोजीशन क्या है, आपका डी का पोजीशन क्या है एल के रेस्पेक्ट में, तो एल के रेस्पेक्ट में, तो एल के रेस्पेक्ट में पूछा है तो एल से काउंट करेंगे ना हम लोग, तो एल का लेफ्ट इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर आपका तीसरा क्या दिया गया है, इफ के इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब आपका के जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू हो जाएगा, क्यू के थर्ड टू द क्या हो जाएगा राइट में हो जाएगा, यहाँ पे के हम लोग लिख देंगे, तब क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रेस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के रेस्पेक्ट में के का पोजीशन क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 टू द राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु एट द मोस्ट, ये नहीं आपका फिर क्वेश्चन है, बस इतना ही आपका क्वेश्चन। ठीक है दो ही तीन क्वेश्चन था वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है तो ये जो आपका चैनल है ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो भी आपका नया वाला पैटर्न, जो भी आपका क्वेश्चंस आने वाला है ना, जो भी आपका एग्ज़ाम्स के रेलेवेंट जो भी आपका क्वेश्चंस है वो हम लोग डेली इस पर अपडेट करेंगे, है ना, वो आपका क्वेश्चन जो है या तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़े हैं तो उसके माध्यम से आप लोग तक पहुंचाया जाएगा, या फिर फेसबुक से, या फिर आपका जो सोल्यूशन होगा वीडियो का वो हम लोग डेली क्या करेंगे, या तो एक दो क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो भी है आपका वीडियो पर आकर कर देंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।